मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस कराने का मेरा सिर्फ मकसद यही है कि जो लोगों के जहन में जो अलग अलग सवाल चल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, और मतलब ये सब चीज़ें जो सडनली मेरे साथ हो चुकी है उसके बारे में मैं आपको बता सकूँ। तो क्या था कि मैं गई हुई थी आगरा अपने गार्नियर शूट के लिए, तो मैंने सोचा चलो दिल्ली भी रुकती हूँ। तो मैं दिल्ली रुकी तो सडनली मेरा ख्याल आया कि मैं एक साल से ना अपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं गई और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो महिलाओं का 33% बिल पास हुआ है आरक्षण का, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर दूंगी और जो अपना खड़के जी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूंगी क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो मैं अपने बुके लेके गई हूँ, मेरे हाथ मेरे ड्राइवर के पास बुके था, मेरे पापा थे, मैं थी और एक और मतलब पापा के साथ कोई आए हुए थे, वो लोग थे। तो मैं जस्ट गेट पे पहुंची और तभी उन लोगों ने गेट लॉक कर दिया। मैंने बोला कि मुझे जाना है अंदर, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आई हूँ। और ऑलरेडी मैंने ये कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने पार्टी के कुछ लोगों को दे रखी थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची उन लोगों ने गेट बंद कर दिया और बोला आपकी एंट्री बंद है। तो मैंने कहा मेरी एंट्री क्यों बंद है, मुझे तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करना था। तो कहते नहीं, ऊपर से आदेश आया आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं जस्ट फ़ोन करने लगी कि क्यों बंद है। सडनली वहाँ से कुछ औरतें यानी कांग्रेस कमेटी की औरतें आई हुई थी, मैं उनको जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारी औरतें आई। एक तरीका होता है, आप मुझे बोलो कि अर्चना जी आप नहीं अंदर जा सकती, अभी आपकी एंट्री मना है, मैं सीधा वहाँ से निकल जाती। मेरे साथ चढ़ने लग गई, मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था ये सब चीज़ें होंगी। मतलब आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप खुद चढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रहे हो। और मैं जा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, मुझे रोड पे आप इधर से उधर कर दिया जाता है। और मुझे पता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि जो जनता थी वहाँ पे जो जा रहे थे, मैंने आपको पता है मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैंने उन लोगों से भीख मांगी कि प्लीज़ गाड़ी खोल दीजिए, मुझे एक बार मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पापा की जान बचा दीजिए। वो लोग चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे और आप जैसे कि वीडियो में देखा ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये वीडियो तो सच में कुछ भी नहीं है, जो हमारे से जो रियलिटी में हुआ है ना वो अलग है। एक होटल में मैं जा रही थी जस्ट सामने, वहाँ पे उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी ने गाड़ी नहीं खोली, मैं किस तरह से उन लोगों ने जानलेवा हमला किया गया। तो मतलब मुझे एक तरह से लगता है कि यार क्या है ये, क्यों ऐसा। और मुझे ये भी पता है कि इस चीज़ के पीछे कौन है, कौन क्यों कर रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे कभी कभी ना होता है कि ये मतलब मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको लात मारी गई, सरे आम मतलब आप सोच रहे हो रोड पे मेरे बाल नोचे गए, मुझे धक्का मारा गया, मतलब पता नहीं। और ऊपर से एक बंदा मेरे कान में आके कहता है आप यहाँ से निकल जाइए वरना और भी पब्लिक आ रही है और पब्लिक में कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या आप पब्लिक में मुझे मार देंगे और फिर कोई केस ही नहीं होगा क्योंकि पब्लिक ने मारा है, क्या है ये सब, जो मुझे समझ में नहीं आता। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।